महात्मा गांधी की 150वीं एवं लाल बहादुर शास्त्री की 115वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर इकाई द्वारा बुधवार को शास्त्री चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा एवं टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री सौरभ कुमार गौड़ ने बताया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर परिषद ने पॉलिथीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का संकल्प लिया है, साथ ही स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के मुहिम को और तेज करने का संकल्प लिया है। इस मौके पर एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री सौरभ कुमार गौड़ ने कहा, शास्त्री जी अमर रहे, शास्त्री जी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम जिंदाबाद। सौरभ कुमार गौड़, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा शास्त्री चौक पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा की साफ सफाई कर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम कर माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया। यहाँ एवं टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ समाज में एक संदेश दिया गया कि जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार रहे, उसी प्रकार हम देश के युवा, हम देश के नौजवान भी हमेशा देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने की अगर आवश्यकता पड़े तो हमेशा से तत्पर रहना चाहिए। हमारे देश के दो महापुरुषों ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि क्विट इंडिया क्लीन इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। जब देश का पूरा अन्न भंडार खाली हो गया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक मुहिम छेड़ा, जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसके माध्यम से हमारे देश का जो अन्न भंडार हमारे देश के किसानों के द्वारा पूर्ण रूप से भर दिया गया, ताकि हमारे देश में जो अन्न की दिक्कतें हैं पूर्ण रूप से जड़ से समाप्त हो गई। महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया क्लीन इंडिया का नारा दिया, क्विट इंडिया के माध्यम से जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया, उसके माध्यम से हमारे देश के युवा, हमारे देश के नौजवानों ने अंग्रेजों को हमारे देश से पूरी तरीके से खदेड़ने का काम किया। क्लीन इंडिया के माध्यम से जो मुहिम महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के समय से ही क्लीन इंडिया नामक मुहिम जो चलाया है, वो मुहिम हमें और तेज़ी से आज के युवा, आज के नौजवानों के बीच में ले जाना, जिससे हमारा देश जो है कि पूर्ण रूप से साफ हो सके, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन दोनों महापुरुषों की जयंती पर यह मुहिम चलाएगी कि आज का युवा, आज का नौजवान पूरी तरह से पॉलिथीन को बैन करे, पूरी तरह से पॉलिथीन को प्रतिबंधित करे और पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह से अपने आप को पॉलिथीन के प्रयोग से पूरी तरह से वंचित करे। साथ ही साथ हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी नौजवान समाज में संदेश देना चाहेंगे कि हम आसपास वातावरण को शुद्ध रखें, आसपास के अपने वातावरण को साफ रखें, तथा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक विद्यार्थी, पढ़ने वाला जो आज का युवा, जो आज का नौजवान घर से बाहर निकलता है, वो घर जाके अपने आसपास के खाली स्थान पे पेड़ पौधा लगाने का भी काम करे, जिससे वातावरण हमारा स्वच्छ हो। महात्मा गांधी जी की जयंती पे एवं लाल बहादुर जी की जयंती पे हम सभी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के तरफ से ये आह्वान रहेगा कि निश्चित तौर पे आज का युवा, आज का नौजवान देश के बारे में सोचे, वातावरण के बारे में सोचे और देश के लिए कुछ करने का भी सोचे। धन्यवाद।